नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे स्टेबलाइजर की, 92440 नहीं 92300, और इसके बाद में हम 440 की भी आपको डाटा बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले कैच वीडियो देखे हैं तो सोचे होंगे कि इसमें क्या है, 92300 का तो बहुत सारे डाटा मौजूद है और हमने भी काफ़ी बताया है। तो दोस्तों, ये कुछ डिफरेंस है और यकीन मानिए, इस डाटा पे आप काम कीजिएगा तो आपको जरूर मजा आएगा और अपने एक्सपीरियंस को जरूर कहिएगा। तो आप ज़्यादा बड़ा ना होते, एक सिर्फ एक ही बनाकर इस पर ट्राई कीजिए इस डाटे पर। और ये पूर्णतः डिजिटल किट में है, हाई कट लो कट और टाइमर के साथ में। तो अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो कुछ डिफरेंस दिखेगा और आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 KBA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर डाटा। दोस्तों, ये जो डाटा है और डाटा से डिफरेंस है, लेकिन वर्क सेम टू सेम करता है और इसकी कनेक्शन थोड़ी सी अंतर की गई है, क्योंकि एक तरह से कनेक्शन करते हुए, एक तरह से ट्रांसफार्मर रिवाइंड करते हुए आपका भी बोर हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी अलग टाइप की है और इस ये वर्क भी अच्छी करता है। तो दोस्तों, चलिए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 5 KBA ट्रांसफार्मर के डाटा को देखते हैं। तो दोस्तों, ये 300 तक वर्क करेगी, यानी 90 वोल्ट से आपको बक करेगी और बूस्ट करेगी और 300 वोल्ट तक भी बक करेगी, यानी कि ये इसकी रेंज जो है 90 से 300 वोल्ट तक की है। इसमें कोर का जो उपयोग किया गया है वो 7 नंबर और बोबिन की जो साइज है 7 नंबर 5 इंच, और इसमें वायर का उपयोग किया गया है वो है 14 नंबर, और इसमें आप रिले का प्रयोग 25 एम्पियर और 30 एम्पियर की 24 वोल्ट वाली रिले का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसके ट्रांसफार्मर डाटा की ओर देखते हैं। तो इसकी जो टर्निंग किट की टर्निंग जो है वो आप 0 से 20 टर्न दे सकते हैं, और इस जो किट का उपयोग होता है डिजिटल किट, उसमें ये टर्निंग लगेगी। ये आपकी 24 नंबर 22 नंबर 23 नंबर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं इसकी गेज। और उसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं मेन ट्रांसफार्मर की ओर। तो 0 टर्न से स्टार्टिंग करेंगे, 46 टर्न पर हम पहली लूप निकालेंगे, 82 टर्न पर हम दूसरी निकालेंगे, और 139 टर्न पर हम तीसरी निकालेंगे, और 264 टर्न पर हम लास्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इसकी कनेक्शन में क्या है, फिर आप यहीं पर देख सकते हैं कि जो 264 टर्न वाली है इसको हम न्यूट्रल में देंगे, और जो 139 टर्न वाली है इसको हम देंगे RL2 की NC पर, और उसकी कॉमन को हम देंगे इनपुट, और उसकी इनो को हम देंगे RL1 की जो कॉमन है उस पर देंगे, और उसकी जो RL1 की NC है उस पर हम 82 टर्न वाली लूप को जोड़ेंगे, और RL1 की जो एनो है उसको हम जोड़ेंगे RL3 की NC पर, और वहीं पर हम 0 टर्न वाली टेपिंग को जोड़ देंगे मेन ट्रांसफार्मर की, और जो 46 टर्न वाली है वो RL3 की एनो पे जाएगी, और RL3 की जो कॉमन है वो RL4 की कॉमन में जुटेगी, और RL4 की एनो से हम सप्लाई लेंगे आउटपुट की। तो ये कनेक्शन सिर्फ इस तरह है सिंपली, और ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसका मैंने बहुत दिन से प्रयोग किया हुआ है, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो वीडियो देखने के लिए मोस्टली धन्यवाद।